हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं एडवांस एक्सेल। ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, ये हमारे एडवांस एक्सेल की लाइव क्लासेस है। जी, लाइव वन टू वन क्लासेस हमारे नवनीत चोपड़ा जी के साथ, ये वन टू वन क्लासेस हो रही है। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एडवांस एक्सेल के बारे में, और आज की टॉपिक हमारी फाइल मेनू बार है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमारी एडवांस एक्सेल की ग्रुप क्लासेस शुरू हो रही है रात को 8 बजे 21 तारीख से। जी हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं 21 जुलाई से रात को 8 बजे, और इसमें हम आपको कंप्लीट एडवांस एक्सेल साथ में वीवीए भी कराएंगे। डिटेल्स के लिए आप हमारी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, शीट बुक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल की क्लास की क्वेश्चंस के बारे में। हम एक बार डिस्कस करते हैं क्या है? हमने बताया था आपको इसमें क्वेश्चन क्या है, समझिए। मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ। क्वेश्चन आपका ये है, तीसरा नंबर, कि पुट 500 इन रो थ्री एंड कॉलम नंबर फोर। मतलब कि 1 2 3 एंड 1 2 3 4, यहाँ पे आपको 500 टाइप करना है, राइट? एंड कैलकुलेट द 60% इन बी टू। बी टू में मुझे 60% कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें इस तरह से इसका जो सेल कैलकुलेस है ना, डी थ्री मल्टीप्लाई बाई 50%, ये डी थ्री को यूज नहीं कर। जी तो कैसे करेंगे? आपके पास यहाँ रो कितना है? 4 है, और कॉलम कितना है? कॉलम 4 है, रो 3 है, राइट? अब इस इंफॉर्मेशन से आपको ये करना है। तो हमारे पास एक एड्रेस नाम का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? एड्रेस। एड्रेस में 3 एंड कॉमा 4 करूंगा, इसका एड्रेस बना देगा D3, ठीक है? ओके पर प्रॉब्लम यह है कि मैं इसको D3 को मल्टीप्लाई बाय 50% नहीं कर सकता, एरर है। क्यों? क्योंकि जो D3 रिटर्न हुआ है ना, ये किसी तरह का रेफरेंस नहीं, क्या है? टेक्स्ट है, ABCD। ओके तो इसको पहले रेफरेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट का। किसका होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय, हमने 50% किया, अब रिजल्ट 250 आ गया। तो एड्रेस फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आप रो एंड कॉलम में देंगे तो उसका एड्रेस बना देगा, और इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है? टेक्स्ट में दिए एड्रेस को रेफरेंस में कन्वर्ट करता है। अब आपको एक और तरीके समझाता हूं, शायद तब समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे D3 पे 500 है ना, अगर मैं यहाँ पे D3 कुछ इस तरह से लिखूं, तो आप देख सकते हैं कि 500 को इसने पिक कर लिया, जी और एंटर मारते ही 500 आ भी जाएगा। जी अब मान लीजिए कि मैं यहाँ F3 पे D3 कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि इस D3 से हमारा 500 आ जाए। पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डी इसके ऊपर D3 जो लिखा है वो टेक्स्ट है या रेफरेंस है, कैसे पता चलेगा सिस्टम को? तो ऐसे केस में हमें यहां पे क्या करना होगा? इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर, मेरी काम की फॉर्मूला इनडायरेक्ट सर। ओके, तो सर इसका क्या पर्पस, कैसे यूज, क्या मतलब क्यों नहीं सर रेफरेंस? कई बार क्या होगा, आपको जो है चीजें जो मिलेगी ना इसमें, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, चलिए बताता हूँ। बेसिकली मेरा सॉफ्टवेयर खराब हो गया था, सर्टिफिकेट प्रिंट करने का मेरा एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना? ओके वो खराब हो गया था। खराब क्या हो गया था? क्योंकि हमने विंडोज 11 लगा ना, और सॉफ्टवेयर करीब 2004 से चल रहा है, 2007 से, सॉरी 7 से। तो मैं विंडोज 11 पे उसने पिक नहीं किया। अब सॉफ्टवेयर जिससे मैंने बनवाया था, उस समय में प्रोग्रामिंग ठीक नहीं थी, उसको कांटेक्ट किया, वो बैठा हुआ है दुबई में, फोन उठाया नहीं। फिर उसको मैंने ईमेल पे जवाब दिया, ईमेल पे भी रिप्लाई नहीं किया। देन फेसबुक पे कनेक्ट किया, तो रीजन ये था कि फोन नंबर और ईमेल एड्रेस वो चेंज कर चुका था, क्योंकि काफी टाइम पहले हमारी दोस्ती थी, हम पास साथ में पढ़े थे, जी तो बाद में तो अब तो ठीक कर दिया है। लेकिन जब उसे ठीक नहीं किया था, और मुझे क्या था कि सर्टिफिकेट्स प्रिंट करने थे, ठीक है? तो ओके मैं सर्टिफिकेट का जो मेरा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को मैंने यहाँ दिया।
अब यहाँ पे जो है बंदो इसके नेम आना चाहिए, यहाँ पे कोर्स आना चाहिए, बाकी चीजें यहाँ पे आना चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर आना चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन डली हुई है कहाँ, यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मैं नंबर डालता हूँ, क्या डालता हूँ नंबर, से वन डाला एंटर मारा आ गया, टू डाला एंटर सही मारा, थ्री डाला एंटर मारा, नाम आ जा रहा है ना जी यहाँ पे, दिख रहा है नाम आगे। तो ये वन से कैसे आ रहा है, क्योंकि तो हमारे डेटा में कहीं वन टू थ्री कुछ तो है नहीं ना, है सर, बिल्कुल ये वन आ रहा है इस वन टू थ्री से, दिख रहा है आप। जी तो यहां पे भी हम वही जो मेथड बताया उसी मेथड का प्रयोग किया, समझ रहा है, बट इसमें हमने कुछ और फॉर्मूला लगाया हुआ है, लेकिन मेथड हमारा वही है कि रो नंबर को पिक कर रहा है। तो कई बार सिचुएशन ऐसा आएगा जहां आपको ए वन बी वन सी वन नहीं पता होगा, ठीक है सर ठीक वहां पे नंबर पता होगा, ठीक रो नंबर या कॉलम नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि चौथे नंबर रो में हमारा पूजा है और मुझे जो है जुलाई का डेटा चाहिए, तो जुलाई मतलब कि सातवां महीना, मतलब कि आठवां कॉलम, तो पांचवा रो एंड आठवां कॉलम का डेटा उठाना है, बात ठीक है सर समझे। चलिए जी तो कहने का मतलब मैं शुरुआत में बताया कि कोई चीजें बेसिक या कोई चीजें एडवांस नहीं होती है, हमारा यूटिलाइजेशन उस पे बताता है। जी चलिए बिल्कुल सही बात सर हाँ, तो इनडायरेक्ट समझ में आ गया। अब बाकी क्वेश्चंस आपने बनाया तो जी भेजे नहीं आपने मुझे, जी जी हाँ स्क्रीन शेयर कीजिए। चलिए ये आपने मार्क्स टेबल दिया था छोड़ मार्कशीट, करो हाँ स्कूल कर दिखाइए सामने आपने स्कूल, क्या सर दिल तोड़ दिया, आपकी बेटी का स्कूल से इस तरह का स्कोर कार्ड आएगा तो क्या बोलिएगा, वो लगता है अगले मेरे फीस भी मत दीजिएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए मैंने पहले समझाया था कि अब हम ये नहीं जानना चाह रहे हैं कि आपको आ रहा है कि ना आ रहा है, मैं जानना चाहूँ कि आप क्या एक परफेक्ट चीज बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहा, बात समझे। तो आपको हैबिट होनी चाहिए परफेक्ट चीज की, कि जल्दीबाजी के अंदर में ही आपके जो आपसे अंदर से जो भी रिपोर्ट निकलेगा वो परफेक्ट निकलना चाहिए। देखिए दिख रहा है सर, अब इसको बनाने में ऐसा तो नहीं घंटा दो घंटा लगा हो, क्या लग रहा है। नहीं अब देखिए जो चीज आपने लिखा है वही चीज मैंने भी लिखा है, बट मैंने थोड़ा सा तरीके से थोड़ा सा फॉर्मेटेड और एक प्रोफेशनल वे में लिखा कि हाँ यहाँ पे है, और मैंने इसको इग्नू के स्कोर कार्ड से देखा और मैंने डाल दिया, समझे। जी तो कुछ भी बनाइए आप, एक परफेक्ट चीज बनाइए, चाहे मुझे देना हो चाहे अपने बॉस को देना हो, और हैबिट में रखिए कि आप भी बनाए तो एक अच्छा सा सलीके से बनना चाहिए, राइट, जी एक बिल्कुल एक पेंटर की तरह, एक पेंटर जो है अगर जल्दीबाजी में भी स्केचिंग करता है वो भी एक अच्छा सा स्केच होता है, राइट, बिल्कुल ठीक है। सही है सर अब इसको कैसे बनाया है इसकी रिकॉर्डिंग में भेज देता हूं, आप देख लीजिए, जो भी क्वेश्चंस है अगर क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं तो उसका सोल्यूशन या तो मेरे पास रिकॉर्डेड होता है या फिर मैं आपको खुद सोल्यूशन करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसे है जो कि आपको समझ में नहीं आए।
जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 मुझे पता था आपको समझ में नहीं आया, समझाना पड़ेगा अलग से, इसलिए मैंने वो रिकॉर्डिंग आपको नहीं भेजी। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग आपको भेजा देख, ठीक है तो सर परफेक्ट बनाइए, ठीक है हैबिट में रखिए, ताकि अगर जल्दीबाजी में बॉस को भी रिपोर्ट भेजे तो एक अच्छा रिपोर्ट जाना चाहिए सर। ये मुझे किसी एक स्टूडियो वाले ने सिखाया था, मैं एक बार लेने गया था, मुझे नंबर्स निकालने थे, मोबाइल नंबर लेना था, उस समय तो मोबाइल नंबर फोटो से बिनते थे ना, डॉक्यूमेंट मैनुअल देना पड़ता था, डिजिटल नहीं था, आधार कार्ड सिस्टम नहीं था, तो मुझे जल्दी थी, ऑफिस में लेट हो रहा था, तो मैंने बोला भाई मुझे शादी नहीं करनी है, था फोटो को फोटोशॉप पे ले आकर संभाल क्यों रहे हो। उसने बोला कि बात तो सही है आपको जल्दी है, लेकिन ये फोटो 30-25 लोगों के पास है, वो आपकी शक्ल से पहले शक्ल देखेगा, उसके बाद क्या बोले कि यार फोटोग्राफर कैसा था, सही से फोटो खींचा। इसलिए मेरा मेरा नियम है कि आप चाहे शादी के लिए लो या जिसके लिए लो, फोटो जो निकलेगी एक परफेक्ट रूप से यहां से निकलेगी, भले ही 2-4 मिनट टाइम लग जाए लेकिन परफेक्ट नहीं निकले, अब तसल्ली से पहले। तो मैंने समझ लिया कि हाँ ये बात भी सही है कि अगर हम रिपोर्ट जो भी बना रहे हैं वो एक प्रोफेशनल रिपोर्ट लगनी चाहिए, चाहे क्योंकि रिपोर्ट एक बार भेजने के बाद हो सकता है उनके पास कई सालों पर आप, अभी तो मान लीजिए उनको आपने भेज दिया जल्दीबाजी में, देख लिया और उन्होंने काम कर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हो सकता है 6 महीने या साल भर बाद वो फाइल अपना चेक कर रहे हो, वो फाइल आपका दिख जाए या ईमेल चेक कर रहे हैं ईमेल दिख जाए, फिर वो खोले और उस समय उनके पास टाइम हो, ध्यान देंगे आपकी रिपोर्ट को देखे, तो क्या बोले यार कैसा रिपोर्ट बना के भेजा था। सर ये सब चीजें भी पढ़ानी पड़ती है सर, एक्सेल के अलावा भी पढ़ानी पड़ती है ना सर, क्योंकि मुझे आपको एक परफेक्ट एमआईएस इंस्टीट्यूट बनाना है ना। चलिए तो अब हम बात करते हैं आज की क्लास फाइल मेमोर। देखिए फाइल मेमोर में ऐसे कुछ खास चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चीजें सारी चीजें समझा देता हूँ, हो सके कोई नई चीज आपको मिल जाए, ठीक है। अब यहां हम आते हैं फाइल के अंदर, जब भी फाइल पे आएंगे तो अच्छे से जानिए कि मेनू बार जो हमारे हैं इसको हम टैब बोल सकते हैं, कुछ लोग मेनू भी बोलते हैं, हम लोग तो मेनू बोलते हैं, कुछ लोग टैब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेनूज है, ये मेनूज कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं जो ऑप्शन चाह रहा हूँ उस ऑप्शन कहाँ मिले, क्या मुझे याद रखने पड़ेंगे कि मैं पिवट इंसर्ट में मिलेगा, चार्ट इंसर्ट में मिलेगा, डेटा वैलिडेशन डेटा बार में मिलेगा, फॉर्मूला फॉर्मूला मान मिलेगा, कैसे पता चलेगा। देखिए ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उसकी प्रॉपर्टी ध्यान है, फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे फाइल को सेव करना, सेव एज करना, ओपन करना, क्लोज करना, प्रॉपर्टी मेंटेन करना, सेटिंग चेंज करना, मतलब फाइल एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको फाइल मेनू बार के लिए, ठीक है। अब होम के अंदर क्या है, होम के अंदर आता है मोस्ट यूजेस फीचर्स लाइक फॉर्मेटिंग, फिल्टर, डेटा, कॉपी पेस्ट, यही होता है ना मोस्ट जो यूज करते हैं, वो आपको होम में मिलेगा। होम में क्या क्या मिलेगा, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मोस्ट यूज फीचर जैसे फॉर्मेटिंग, फिल्टर, सॉर्टिंग, कॉपी पेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद इंसर्ट में मिलेगा जो हम इंसर्ट करते हैं, जैसे पिवट इंसर्ट करना, पिक्चर्स इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना, स्लाइसर इंसर्ट करना, लिंक इंसर्ट करना, सैंपल इंसर्ट करना, तो इंसर्ट जैसे वर्ड को संबोधित कर रहा होगा वहां आपको जो है इंसर्ट मेनू बार में मिलेगा, ठीक है। पेज लेआउट जो प्रिंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिससे हम प्रिंट कर रहे हैं, तो पेज सेटअप करना, प्रिंट व्यू देखना, बैकग्राउंड देखना, उसको पेज में सेट करना, ग्रिड लाइन वगैरह, जो प्रिंटिंग से रिलेटेड चीजें है वो आपको मिलेगा पेज सेटअप। और फॉर्मूला बताने की जरूरत ही नहीं है, जो भी हमारे फंक्शन या फॉर्मूला है वो कहां मिलेगा, फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहां पे डेटा में आते हैं कि डेटा में क्या मिलेगा, डेटा में डेटा रिलेटेड जैसे डेटा इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, या फिर डेटा वैलिडेट करना, एडवांस फिल्टर लगाना, फोरकास्ट, जो चीजें जो डेटा से रिलेटेड चीजें हैं वो डेटा है। रिव्यू
रिव्यू के अंदर, रिव्यू से पता चल रहा है कि आपको चीजों को रिव्यू करना, जैसे स्पेलिंग चेक करना, ग्रामर मिस्टेक चेक करना, कमेंट चेक करना, प्रोटेक्शन वगैरह करना, ये सब चीजें रिव्यू में आए। व्यू विंडोज से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको व्यू में आएगा, कि नॉर्मल व्यू देखना, जूम करना, न्यू विंडो में करना, फ्रीज करना, ये सब चीजें आपको व्यू में आए। ठीक है, अब आपके पास हो सकता है तो फाइल से लेकर व्यू तक का ही ऑप्शन हो। अब इसके आगे से ऑटोमेट हो गया, डेवलपर हो गया, ये सब चीजें ऐड करना है, मतलब पावर पॉइंट हो गया, ये सब चीजें ऐड करना है। ठीक है, जी अब ये चीज क्यों बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी इंटरव्यू में आप गए, हालांकि आप तो जॉब कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, और बॉस ने बोला कि एक काम करो, आप डेटा वैलिडेशन लगा के दिखाओ। आप डेटा वैलिडेशन में आप होम पे जा रहे हैं, इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं, बिल्ड आउट पे क्लिक कर रहे हैं, तो क्या समझेगा सामने वाला बंदा? जी जैसे एक दुकान पे आप जा रहे हैं, और दुकान पे अगर कोई सामान मांग रहे हैं, अगर दुकान वाला चार दुकान में चार तक घूम रहा है, तो क्या सोचेंगे, क्या कोई नया बंदा लग रहा है, तो पता नहीं कहाँ रखा होगा। उसी तरीके से आपका जो जो इंटरव्यूअर है वो सोचेगा कि आपको चीजें सही से पता नहीं है, आप जी ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस नहीं रखते। जी आपको पास, उसने बोला कि डेटा वैलिडेशन, सीधे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाके क्लिक करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ डेटा वैलिडेशन इसको आता है। बता दो डेटा वैलिडेशन कहाँ है, लोकेशन पता है, मतलब इसको जानता है, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट कर पड़े ना पड़े, लेकिन बुरा इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा अगर आप इधर उधर ढूंढेंगे तो। जी इसलिए हाँ, दूसरा चीज आपको पता भी रहेगा तो सही रहेगा, पता होना चाहिए ना कहाँ पे क्या है, और इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी से आप उसको ढूंढो। अब हम, अब जो पढ़ेंगे अपनी क्लासेस को मेनू के हिसाब से पढ़ेंगे वन बाय वन, उससे पता रहेगा कि आपकी कोर्स कहाँ है और आपका अगला टॉपिक क्या हो। ठीक है ना, सीक्वेंस रखता रहे। ठीक है, तो हम यहां आते हैं फाइल मेनू बार पे। फाइल के अंदर जब आप आइएगा तो फाइल मेनू बार में आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले होम मिलेगा। ऐसे नया एक्सेल खोलते हैं तो भी आपको होम मिलता है। होम में आपका एक न्यू होता है, उसके बाद यूज किए गए टेम्पलेट्स और यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइल, और रिसेंट फाइल को अगर पिन कर देते हैं तो पिन में आप, पिन लिस्ट जो होता है ना वो आपको हटता नहीं, रिसेंट हट जाता है ना, इसलिए कोई फाइल अगर बार बार ओपन करना है तो पिन कर दीजिए, ये लिस्ट में हमेशा रहेगा, उसके फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक जी है, चलिए आगे बढ़े। जी उसके बाद न्यू पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिले। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, बने बनाए ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपके बॉस ने बोला कि मुझे कैलेंडर, एक काम करो मुझे एक इतना का कैलेंडर दे दो बना के, या शेड्यूल बना दो मुझे एक बार कैलेंडर कैलेंडर वाइज। तो यहाँ पे जैसे आप सर्च कीजिए यहाँ पे शेड्यूल वगैरह, तो यहाँ पे एक मिनट, देखिए मैंने कैलेंडर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैलेंडर का सैंपल मिल जाएगा। इनवाइस आ गया, यहाँ पे है कैलेंडर, सॉरी मैं स्पेलिंग मिस्टेक गलत ला रहा था। ठीक है, अब सर्च भी करेंगे, ये देखिए इतने सारे कैलेंडर इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, शिफ्ट वर्क कैलेंडर देखिए यहाँ पे आ गया, बने बड़े ऑप्शंस है, बस आपको इंप्लीमेंट करना है। देखिए निकल रहा है, यहाँ पे जॉब एंड शिफ्ट कर दीजिए कि किसको शिफ्ट वन में, शिफ्ट कौन कौन रहेगा, मॉर्निंग शिफ्ट में स्टार्ट कब होगा एंड कब होगा। ठीक है, आपको कलर्ड है ऑलरेडी यहाँ पे, देखिए शिफ्ट वन शिफ्ट टू शिफ्ट थ्री, मतलब कि आज जो है आपका शिफ्ट क्या है,
ये ग्रीन कलर है, मतलब शिफ्ट टू में है आपका, मंडे को शिफ्ट टू में है, फ्राइडे को आपका क्या शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट टू है, ये शिफ्ट थ्री का सिंबल है, ठीक है। जैसे कुछ बना सर, सकते हैं। ये थोड़ा टॉपिक से अलग है, पर नेम है ना तो काम है। सर इसमें भी कुछ जो तीन कलर है ये आपको इसमें नहीं मिलते हैं, हमारा जो मेन कलर मेन्यू है उसमें नहीं मिलते हैं, तो ये कलर मतलब अगर कैसे? मान लीजिए जो कलर आपको उस ऐसा कलर है, तो अगर आपको मेनू में कलर वो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, अगर वो कलर एक्सेल पे अप्लाई किया है, देखिए यहाँ पे देखिए कलर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जा सकते हैं मोर कलर, मोर कलर में जब स्टैंडर्ड पे आएंगे ना, तो यहाँ देखिए जितने सारे कलर आइटम दिख रहा है, तो अगर कलर को पहचानते हैं तो इसका यूज कर दीजिए। अब जैसे मुझे ऐसे लोग हैं कलर में बहुत दिक्कत होती है मुझे, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ब्लेंडर में जाके इसका आरजीबी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं आरजीबी। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई पिक्चर वगैरह लेते हैं, कोई फोटो वगैरह लेते हैं और उसकी कलर चाहिए, ठीक है ना, तो कॉपी इमेज और एक मिनट में पेंट में आओ, तो हम क्या करते हैं पेंट से ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फोटो पेस्ट किया, मेरे फोटो है, अब इसका जो ए वाला कलर है ना, ये जो ऊपर वाला कलर दिख रहा है ना, मुझे ए कलर चाहिए। अब मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा कलर, तो यहाँ देखिए ये पेंट में कलर पिकर होता है, इसको यहां से पिक कर ले, पिक कर लिए, अब इसके यहाँ पे मोड लेयर पे क्लिक करेंगे तो इस कलर का आरजीबी पता चल जाएगा। आरजीबी क्या है, 186, 192 और 224, ठीक है, या फिर एक कोड है, एक कोड भी ले सकते हैं। फिर वापस एक्सेल में आते हैं जहां अप्लाई करना है, पेंट में आते हैं, मूड कलर पे आते हैं, कस्टम में आते हैं, या तो जो कलर कोड आपने कॉपी किया ना ऊपर वाला, यहाँ ये वाला ये ले लीजिए, या फिर आरजीबी यहाँ ले, आ गया सर सेम, क्लियर जी है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं अच्छी चलिए, चीज। उसके बाद ओपन में आपका ओपन होता है, ये एडिंग्स के बारे में बाद में बताऊंगा आपको, इन्फॉर्मेश आपकी फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उसके वर्जन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, सेव सेवेज पता ही आपको, लेकिन सेवेज करते समय ध्यान रखिएगा कि अगर फाइल के अंदर में किसी तरह के कोडिंग वगैरह है तो उस फाइल को हमेशा एक्सेल माइक्रो 11 वर्कबुक में सेव करें, अदरवाइज नॉर्मल डेटा है तो इसमें एक्सेल वर्कबुक में सेव करें, ठीक है। अगर बहुत बड़ा डेटा है, फाइल काफी हैंग हो रही है, सिर्फ डेटा है फाइल के अंदर में, तो आप बाइनरी वर्कबुक में सेव करेंगे तो आपका फाइल थोड़ा सा स्मूथ चलेगा, ज्यादा स्मूथ लेकिन आप थोड़ा सा जी स्मूथ हो जाएगा। बाकी टाइप्स आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट, आपको पता है प्रिंट करने का ऑप्शन होते हैं, जी ठीक है, और यहां से क्लोज होता है, अकाउंट पे आएंगे तो अपना अकाउंट ऐड यूज कर सकते हैं, अपना अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अपडेट वगैरह यहां से अपडेट कर सकते हैं यहां पे। उस प्रिंट मेरे को सीखना है बाद में, थोड़ा मतलब प्रिंट ऐसे नहीं है कि आता नहीं है, लेकिन तो इसमें थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए। देखिए मैं प्रिंट में बता दूं क्या क्या ऑप्शन है, एक बता देता हूँ, बाकी डिटेल्स तो मैं आपको पेज सेटअप में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज होता है, कितने कॉपी निकालना है, देन सेलेक्ट द आपका प्रिंटर, ठीक है, और प्रिंटर की प्रॉपर्टी पे जाके सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे प्रिंटर के प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, जो प्रिंटर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ आपका आता है सेटिंग्स में कि आपको प्रिंट एक्टिव शीट करना है, एंटायर शीट करना है, या फिर जो सिलेक्टेड एरिया है उसको प्रिंट करना है, वेब सिलेक्टेड एरिया। उसके बाद पेजेस, आपको सारे पेजेस करने हैं या फिर वन किस पर्टिकुलर पेज करना है। देन आता है कुलेटेड, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक से लेके पांच कॉपी करना है, राइट, और पांच पेज पेज प्रिंट करना है और इसकी तीन कॉपी करना है, तो कुलेटेड में समझे पहले 1 2 3 प्रिंट करेगा, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, तीन तीन कॉपी प्रिंट करेगा, तो एक से लेके पांच तक फिर प्रिंट किया, फिर एक से पांच तक प्रिंट करेगा, फिर एक से पांच तक प्रिंट करेगा, तीन बार करेगा, कुलेक्टेड रहेगा, अरेंज रहेगा, बस आपको लेके स्टेपल मारना है। लेकिन इसमें ये दिक्कत क्या होती है पता है आपको, जैसे मान लीजिए मुझे 100 पेज का बुक प्रिंट करना है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको हो सकता है कोई पेज प्रिंट ना हो, या किसी पेज पे
किसी पेज पे प्रॉब्लम हो गया होगा, अब मुझे 100 पेजों की बुक प्रिंट करनी है और उसकी 10 कॉपी प्रिंट करनी है, तो 1000 पेज प्रिंट करने हैं ना, बीच में आपका प्रिंटर मान लीजिए कि पेपर जाम हो गया, कहीं हैंग हो गया, कुछ हो गया, तो फिर आपका प्रिंट कहां तक किया था, क्या किया था, क्या छूटा, तो वो सीक्वेंस बिगड़ जाता। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम उसको अनकोलेटेड करते हैं, मतलब कि पहले 1 पेज की 3 कॉपी निकालेगा, फिर 2 पेज की 3 कॉपी, फिर 3 पेज की 3 कॉपी, तीसरे पेज की 3 कॉपी, चौथे पेज की 3 कॉपी, ऐसे हर पेज की अलग अलग कॉपी निकालेगा। फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको सीक्वेंस में अरेंज करते हैं पेज नंबर से, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हमें आइडिया होता है कि कोई भी बुक के अंदर कोई पेज छूटा हुआ नहीं है। तो हर बुक को रीचेक करने से अच्छा है कि हम उसको मैन्युअली एक एक पेज करके अरेंज करके फिर बाइंडिंग करते हैं। इसका यूज में ट्रेनिंग सेंटर, जब मैं ये था, जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में था एक कॉल सेंटर में, तो वहां पे नोट्स दिए जाते थे, जैसे 25 25 बंदों का 10 10 पेज का नोट देना है, 20 पेज का नोट देना है, कंपनी नोट होते हैं थे ना, तो हम लोगों को प्रिंट करके ही देना होता है, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए बुकलेट वगैरह होता नहीं था कॉल सेंटर में जो कॉलिंग के लिए आते थे, तो वहां पे मैं इसका यूज ज्यादातर करता था। देन पेपर साइज, क्या पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, पेपर, पेपर का ओरिएंटेशन और पेपर का आपका साइज। देन आता है मार्जिंग, कि चारों तरफ से कितना कटे, नॉर्मल नैरो मार्जिंग, या फिर मान लीजिए कोई लेटर हेड या कोई स्टैम्प वगैरह पे प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ आप अपने हिसाब से उसको नाप के इंचेज में डाल दीजिए कितना इंच है, ठीक है ना। फिर आता है स्केलिंग, कभी कभी क्या होता है कि आपका थोड़ा सा पेज कहीं से कट रहा होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिट टू वन पेज कर देंगे, या फिट टू ऑल कॉलम इन पेज, या फिट टू ऑल रो इन द वन पेज, तो ऑटोमेटिक प्रिंटिंग साइज छोटा करके वो आपको एक पेज में फिट कर देगा। लेकिन तब करेंगे जब आपके पास थोड़ा सा डेटा इधर उधर है, अगर बहुत बड़ा डेटा है इधर उधर है तो फिर पेज को इतना छोटा कर देगा कि पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर में आपको छोटे मोटे चेंजिंग्स है, जैसे कि यहाँ पे आपका फॉन्ट, डिफॉल्ट फॉन्ट आप यहाँ चेंज कर सकते हैं कि डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होना चाहिए, आपका यूजर नेम क्या होना चाहिए, आपका ऑफिस थीम कलरफुल है, अगर मैंने ब्लैक कर दिया तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, देखिए, ठीक है। यहाँ फिर मैं कलरफुल कर देता हूँ, कलरफुल हो जाएगा, तो ये सेटिंग्स है, ओके। एक बार सेटिंग सारे आप देख लीजिए, ठीक है ना, अपने हिसाब से इसमें सेटिंग्स में आप जो समझे उसी को चेंज करें, अदरवाइज चेंज ना कीजिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सेटिंग्स में माना डिफॉल्ट फाइल सेव लोकेशन सेट कर सकते हैं, कि मेरा फाइल डिफॉल्ट ही कहाँ से, वो डॉक्यूमेंट में जैसे कंट्रोल एस करते डॉक्यूमेंट आता है ना, उसको आपने लोकेशन पे खुद डाल सकते हैं। एडवांस के अंदर से एंटर मारते कर्सर नीचे जाता है, आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, जो हम फिल करते हैं यहां से अनचेक कर दीजिए तो आपका ये जो ड्रैग करते हैं ना, ड्रैगिंग पॉइंट हट जाएगा, इसी तरह से आपका ये पूरा है, यहाँ पे देख सकते हैं सीट शॉर्ट शीट टैब नेम जो 1 2 3 सीट 1 सीट 2 3 दिख रहा है ना, हट जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये जो स्क्रॉल बार दिख रहा है ना, इसको अनचेक करेंगे तो हट जाएगा। कॉलम रो एंड कॉलम हेडिंग जो ABCD आपको दिख रहा है, हेडिंग यहाँ से हट जाएगा, पेज ब्रेक हट जाएगा, जो डॉट पर लाइन पेज ब्रेक नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये हट जाएगा, जीरो नहीं दिखेगा, सेम थिंग है। इसमें आता है कस्टम लिस्ट, जैसे आप जैन लिखते हो ड्रैग करते हो तो जैन फैब मार्च आ जाता है ना सर, संडे लिखते हो ड्रैग करते हो संडे मंडे आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट बना, न्यू लिस्ट पे जाके मैंने लिस्ट बना दिया पूजा मोहन कविता, मैं पूजा लिख के नीचे ड्रैग करूंगा ना तो पूजा मोहन कविता इंदर आएगा, सिटी ड्रैग करूंगा सिटी आएगा, ठीक है ना सर। तो ऐसे लिस्ट यहाँ बना सकते हो ताकि आप किसी भी फाइल में, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पूजा लिख दिया राइट, अब नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या आएगा, देख मैंने कस्टम लिस्ट बनाया, एक बार देख लीजिए, फिर हम कल की क्लास में बात करेंगे पेस्ट स्पेशल, ठीक है, पेस्ट स्पेशल के बारे में, ओके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।